कल हुआ प्लेस्टेशन का इवेंट, जिसमें हमको देखने को मिला बहुत सारी गेम्स, कॉन्सोल का फर्स्ट लुक, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो मिल रही है, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस एंड बहुत कुछ और। अगर आप न्यू इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप प्लेस्टेशन 5 की गेम के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को, बिकॉज सबसे पहले जैसी कॉन्सोल आएगा इस चैनल पर वीडियोज आने वाली है। इस वीडियो में बात करूंगा अबाउट ऑल द गेम्स जो कल अनाउंस हुई, कौन सी प्लेस्टेशन 5 एक्सक्लूसिव है, कौन सी कॉन्सोल एक्सक्लूसिव है एंड कौन सी ओवरऑल आ रही है, कॉन्सोल का प्राइस क्या हो सकता है इन इंडिया एंड मच मोर। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। प्लेस्टेशन के इवेंट में हमने कल देखी अप्रॉक्सिमेटली 20 गेम्स, एंड Honestly, कोई सोनी से इवेंट करना सीखे, बिकॉज ये था एक अमेजिंग इवेंट। इवन दो ये लोग लाइव इवेंट नहीं कर पाए, इनको सब कुछ प्री रिकॉर्ड करना पड़ा, बट इन लोगों का सब कुछ रेडी पड़ा था एंड अमेजिंग था सब कुछ। हमने देखा बहुत सारा गेम प्ले एंड इसमें काफी एस्पेक्ट्स देखे हमने, जो लोग अपनी पहले वाली प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, लाइक रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी जो गेम्स में यूज होती है टू सी हाउ लाइट रेज बाउंस एंड रिएक्ट ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज, एंड बेसिकली आपकी गेम को बहुत ज्यादा प्रिटी बना देगा, बहुत अच्छा दिखेगा। एंड हमने देखा थोड़ा सा 3D ऑडियो जो इनकी न्यू ऑडियो टेक्नोलॉजी है जो यूज करने वाले सारी गेम्स में आगे, ताकि आपको हेडफोन से मिले बेस्ट एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट थिंग दे टॉक्ड अबाउट अपनी प्रेजेंटेशन में, जो था GTA 5 का अनाउंसमेंट ऑन PS5 जो आने वाला है इन सितंबर 2021, एंड ये फ्री होगा फॉर ऑल PlayStation 5 यूजर्स। तो अगर आप PlayStation 5 खरीद रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर लो कि आपको ये एक साल बाद फ्री मिलने वाली है GTA 5 नो मैटर व्हाट। एंड जब तक ये आती है तब तक PlayStation 4 यूजर्स के लिए GTA ऑनलाइन में हर मंथ मिलेगा उनको $1 million इन कैश, तो उसके लिए भी रेडी रहिए अगर आप GTA 5 खेलते हैं अपने PS4 पे एंड हर मंथ लॉग इन कर लिए कैश लेने के लिए। एंड इसके बाद सब जितना भी गेम पे देखने वाले हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द PS5, ये नहीं कि ये PC पे रिकॉर्डेड है और सिमिलर कंसोल पे देखेगा। गेम्स रेडी है या तो अल्फा नहीं तो बीटा में ऑन द PS5, सब कुछ PS5 का फुटेज है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम PS5 एक्सक्लूसिव। फर्स्ट गेम आई स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, जिसको देख के सब लोग पागल हो गए, सब लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, लुक्स अमेजिंग। जो ये है सीक्वल टू मार्वल स्पाइडरमैन जो आई थी ऑन द PS4 2018 में, उसका सीक्वल लॉन्च हो रहा है डायरेक्टली इन हॉलीडे 2020, जैसी जब PS5 लॉन्च होगी उसके साथ ही लॉन्च टाइटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको। लास्ट स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर की स्टोरी फॉलो हुई थी, स्पाइडरमैन में माइल्स मोरालेस की स्टोरी फॉलो होगी। एंड अगेन हम लोग देख रहे हैं लास्ट जनरेशन से कितनी इंप्रूव हो गई है इनकी परफॉर्मेंस, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, डेफिनेटली गोना प्ले इट ऑन दिस चैनल। फिर हमने देखा ग्रैंड टूरिज्मो 7, विच इज द रेसिंग गेम, जो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। ऑनेस्टली मैं इतना रेसिंग गेम्स नहीं खेलता, बट मेरे को भी बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही थी। अगेन हमने रे ट्रेसिंग देखा, जैसे कार्स के मेटल पे और ट्रक के मेटल पे दूसरी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी। ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, एंड अगर आप रेसिंग गेम फैन हो तो ये गेम डेफिनेटली चेकआउट करना, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। और गेम जिसको देख के सब लोग बहुत खुश हुए थे वो होराइजन 2 फॉरबिडन वेस्ट, जो होराइजन जीरो डॉन का सीक्वल होने वाला है ऑन द PS5 एंड लुक्स वेरी वेरी गुड। या मतलब ऑनेस्टली आफ्टर स्पाइडरमैन में सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस गेम के लिए, बिकॉज इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। PS5 ओवर PS4 इज गोना बी ह्यूज जंप, और मेरे को लग रहा है जितना ये इन लोगों ने अपने ग्राफिक्स इंप्रूव किया पूरा एडवांटेज ले रहे हैं, स्पेशली जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स है उसमें हमको ज्यादा ये देखने को मिलेगी। एंड ये ऑलरेडी एक प्रूवन सीरीज है, इसकी स्टोरी लाइन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जो और अच्छी होने वाली है आई एम गेसिंग सीक्वल के साथ, तो वेट फॉर दिस गेम। वी ऑल्सो गॉट टू सी रैशन एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट, जो एक बहुत पुरानी प्लेस्टेशन सीरीज है। रैशन एंड क्लैंक आ रही है PS2 से और ऑल द वे टू PS4 तक इसकी गेम्स आ चुकी है, एंड PS5 पे भी आ रही है। एंड दिखता है सोनी जब अपने टाइटल्स पे काम करता है तो कितना काम करता है, बिकॉज इसमें द डिटेल्स ऑन एवरीथिंग इज सो गुड। क्लैंक की बॉडी पे आपको रे ट्रेसिंग दिख रही है, उसके सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड जो ये लोग SSD की तब से बात कर रहे हैं उसको फाइनली यूज दिख रहा है, बिकॉज ये जब गेम प्ले में हर रिफ्ट के थ्रू जब रैचेट जाता है तो आपको जो न्यू वर्ल्ड दिखती है दैट कैन ओनली बी अकम्प्लिश बाय एन SSD, या हार्ड डिस्क पर नहीं हो सकता, तो फिर ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने वाले हैं उसकी। एंड अगेन रे ट्रेसिंग, गुड ग्राफिक्स और ये सब मिला के गेम प्ले एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव अ डीमन सोल का रीमेक, जो बहुत पुरानी गेम है, आई थिंक कुछ 7-8 साल हो चुके हैं उसको आए हुए, बट वो फाइनली PS5 के लिए रीमेक होकर आ रही है। एंड इसका ट्रेलर तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जो लोग हार्डकोर सोल्स गेमिंग फैंस हैं उनको ये गेम रिकॉग्नाइज होगी एंड दे विल बी रेडी फॉर इट। मैंने डीमन सोल्स तो नहीं खेली है, माइट प्ले इट ऑन द PS5 जब आएगी, तो देखते हैं उसको। देन वी गॉट टू सी रिटर्नल, जो एक इंटरस्टेलर प्लस डेथ स्टैंडिंग टाइप गेम लग रही है, जिसमें काफी अच्छे ग्राफिक्स लग रहे हैं। आप अपेरेंटली एक डिफरेंट प्लैनेट पर जब भी मरते हो वर्ल्ड चेंज हो जाती है, काफी कूल लग रही है। देन वी गॉट टू सी डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स, जो एक बैटल एरिना गेम लग रही है जिसमें कार्स बस एक दूसरे को मारती है। इसमें भी अगेन रे ट्रेसिंग वॉज वेरी प्रोमिनेंट, हर जगह दिख रहा था लाइट कितनी अच्छी बाउंस ऑफ हो रही है। एंड यू नो ऑनेस्टली मेरे को हर एक गेम को देख के इतना एक्साइटिंग लग रहा है, बिकॉज गेम्स पूरी तरह चेंज होने वाली है इस कॉन्सोल जनरेशन के आने के बाद, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। यू ऑल्सो गॉट टू सी सैकबॉय लिटिल एडवेंचर, जो है लिटिल बिग प्लैनेट से, जो प्लेस्टेशन की ऑलरेडी फ्रेंचाइज है उससे एक कैरेक्टर है, एंड ये 4 प्लेयर इसमें खेल सकते हैं जितना दिख रहा है। गेम अच्छी लग रही है एंड कुड बी गुड, बट थोड़ी सी किडिश है मेरे लिए, आई डोंट नो इफ आई चेक इट आउट, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। और भी जो न्यू गेम्स आते रहेंगे मैं अपनी ट्विटर पे कवर कर लूंगा, तो अगर आपको वो देखना है तो उनको चेकआउट कर लो, वहाँ पे मैंने लास्ट नाइट का पूरा इवेंट भी कवर किया था, तो चेकआउट माई ट्विटर इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड न्यू रिलीजेस के लिए। एंड अब हम बात करेंगे थोड़ा हार्डवेयर की, जो फाइनली हमको देखने को मिल गया इतने टाइम बाद। इस टाइम पे यूजली E3 होता है, तो फिर हार्डवेयर उनको दिखाना ही था आई गेस, उन्हें एक इवेंट में गेम्स एंड हार्डवेयर दोनों दिखा दिया। एंड मेरे हिसाब से तो हार्डवेयर लुक्स स्लीक, इट लुक्स नाइस, थोड़ा
इट लुक्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली, कि जैसे कोई अगर किसी को इमेजिन करने बोलेगा कि फ्यूचर वाला कॉन्सोल कैसा देखेगा एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक वाला, तो वो काफ़ी मेरे को लगता है ऐसे ही बना के देगा, स्पेशली जो डिजिटल एडिशन वाला है जिसमें पूरा स्लीक लुक है। इसके दो एडिशन निकलने वाले हैं, एक होएगा PlayStation 5, एक होएगा PlayStation 5 डिजिटल एडिशन विच इज़ गोना बी विदाउट द CD ड्राइव, जो ब्लू रे ड्राइव होती है इनकी। एंड अगर आपको चाहिए तो आप सारी गेम्स उसमें आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी थ्रू द इंटरनेट, तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है एंड अगर आप डिस्क नहीं खरीदते इन जनरल, तो दिस कुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये चीपर भी होएगा, तो अगर इसका प्राइस डिफरेंस काफ़ी है तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है फॉर पीपल हु हैव गुड इंटरनेट। एंड अगर लाइक ऐसे $50 to $100 का डिफरेंस हो गया प्राइस में, तो काफ़ी लोग खरीदने वाले हैं मेरे को लग रहा है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी 800 GB है, तो अब 10 games तो उसमें आराम से स्टोर कर सकते हो, तो स्टोरेज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हमको एक बेटर लुक भी मिला कंट्रोलर पर, जो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ PS4 के कंट्रोलर से, बट उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की, जैसे एक माइक्रोफोन जो यूज़ हो सकता है फॉर वॉइस चैट, एंड मेरे को लगता है शायद से ये वॉइस कमांड्स के लिए भी हो सकता है फॉर कंट्रोलिंग द कंसोल, प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स भी आ गए हमारे पास। एंड ये सब कुछ टेस्ट कर सकते हो ऑन थिंग कॉल्ड एस्ट्रोस प्ले वर्ल्ड, जो आपके PS5 में ऑलरेडी प्री लोडेड होएगा, तो इसको वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इन लोगों ने एक सिमिलर चीज निकाली थी ऑन द PS4 टू चेकआउट द टच पैड, एंड जो भी न्यू फीचर्स आए थे कंट्रोलर में वाइब्रेशन और ये सब, तो उससे भी आप ये मोस्टली चेकआउट कर पाओगे, आपका 6-axis कंट्रोलर, आपका ट्रिगर्स एंड जो भी न्यू चीज़ें आ रही है इसमें, ये एक सॉर्ट ऑफ मिनी गेम्स ही होगी बस देखने के लिए कंट्रोलर में क्या क्या है न्यू, एंड दिस इज नॉट गोना बी अ फुल फ्लेज्ड गेम। तो इन्होंने हमको न्यू चीज़ें भी दिखाई, जैसे थोड़ा एक पल्स 3D हेडसेट जो उनका खुद का प्रोप्राइटरी हेडसेट होने वाला है, वायरलेस हेडसेट फॉर द PS5, एक मीडिया रिमोट फॉर पीपल हु मे बी वॉच ब्लू रे मूवीज, जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देखते अपने PS5 पे, एंड ऑल्सो HD कैमरा जो मेरे को लगता है यूज़ होएगा फॉर PlayStation मूव या फिर PlayStation VR के लिए, उसकी ट्रैकिंग के लिए, तो वो मे बी बाद में लोग परचेज करेंगे जब PlayStation VR का बंडल आ जाएगा। तो ये हार्डवेयर के लिए इतना हुआ, लेट मी नो अगर आपको कॉन्सोल अच्छा दिखता है या फिर आपको घटिया दिख रहा है, अगर आप Xbox लोगे PS5 लोगे, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको बेटर क्या लगे, तो मोस्टली मैंने आपसे इंस्टाग्राम में पूछा था कि आपको कॉन्सोल अच्छा लगा या नहीं, एंड 89% ऑफ द पीपल सेड कि उनको अच्छा लगा कॉन्सोल, तो आई एम गेसिंग लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है डिजाइन से, तो ये काफी सक्सेसफुल हो सकता है। एंड लेट्स गेट इनटू कॉन्सोल एक्सक्लूसिव्स, ये गेम्स होने वाली कॉन्सोल एक्सक्लूसिव, विच मीन्स ये PS5 पे एक्सक्लूसिवली आएंगी इन द कॉन्सोल्स, मतलब Xbox पर नहीं आएंगी, बट ये थोड़ा टाइम तो PS5 पे रहेंगी एंड देन PC पे भी रिलीज होंगी, सो PS5 एंड PC प्लेयर्स कैन बोथ एंजॉय दिस, बट PS5 पे पहले आने वाली है एंड Xbox पे नहीं आने वाली है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट अथिया, जो एक Square Enix का कॉन्सेप्ट है, अभी तक वर्किंग टाइटल है इसका, ऑफिशियली नाम दिया नहीं है। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैंने इससे बेटर लुकिंग गेम अभी तक देखी नहीं है, इसका जो एनिमेशन एंड जो कैरेक्टर डिजाइन अभी तक देखा है हमने, एंड दिस इज ऑलरेडी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्री रिलीज डिजाइन है, ये और भी बेटर हो सकता है, लुक्स सुपर सुपर गुड। जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसके जो फीचर्स है और ये सब सुपर रियलिस्टिक लग रहा है, मूवी जैसा लग रहा है ये। एंड फाइनल में एक ड्रैगन दिखाते हैं वो लोग, जिससे स्मोक निकल रही होती है, ऐसे फ्लेम गिर रही होती है उससे बेटर लुकिंग ड्रैगन मैंने आज तक नहीं देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स में मैंने। उसके बाद एक गेम है केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ पिक्सार या डिज्नी की एनिमेशन मूवी लग रही थी थोड़ा टाइम पहले तक, जब इसका ट्रेलर आ रहा था, बट उनका गेम प्ले दिखाया उन लोगों ने, एंड लुक सुपर सुपर गुड, गेम प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एनिमेशन इज ऑन पॉइंट, रे ट्रेसिंग अगेन पार्ट प्ले करता है यहाँ पे लाइट, क्योंकि इतनी अच्छी दिख रही है इस गेम में, एंड मैं तो पक्का खेलने वाला हूँ। देन वी हैव घोस्ट वाइट टोक्यो, जो एक टोक्यो बेस्ड हॉरर गेम लग रही थी, काइंड ऑफ एक्शन गेम, की टोक्यो में फुल घोस भर गए हैं एंड आप उनको माने जा रहे हो। एंड वी ऑल्सो गॉट डेथ लूप, जो एक बहुत बड़े डिजाइनर से बेथेस्डा से, एंड ये भी काफ़ी कूल गेम लग रही है। बेसिकली आपको एक आइलैंड से निकलना है एंड जब भी आप मरते हो तो लाइक आपकी वर्ल्ड रीसेट हो जाती है एंड ऐसे चलते रहता है अंटिल यू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड। हमको देखने को मिला फाइनली गॉडफॉल का गेम प्ले, जिसका ट्रेलर बहुत पहले आ गया था एक्चुअली कपल ऑफ मंथ्स बैक, बट उसका फाइनली गेम प्ले देखने को मिला एंड बहुत अच्छी हैक एंड स्लैश गेम लग रही है, वेरी गॉड ऑफ वॉर स्टाइल, बट अभी डिपेंड करता है कि इसकी स्टोरी कितनी अच्छी होगी। अगर स्टोरी अच्छी हुई तो ये काफ़ी अच्छी गेम निकल सकती है, बिकॉज गेम प्ले तो फैंटास्टिक है। वी ऑल्सो गॉट स्ट्रे, जो एक कैट पे बेस्ड है गेम, बेसिकली आप एक कैट हो गए जो घूम गई है सॉर्ट ऑफ एंड आप अपना वे ढूंढ रहे हो। फाइनली इन द कंसोल एक्सक्लूसिव्स वी गॉट ऑडवर्ल्ड सोलस्टॉर्म, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज ऑडवर्ल्ड एंड उसका न्यू गेम आने वाला है ऑन PS5। लुक्स गुड, मैंने कभी खेली नहीं है तो मेरे को पता नहीं कैसे इनकी स्टोरीज, बट लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे ट्विटर पे, तो ये भी अच्छी हो सकती है। तो इन्होंने थोड़ी और गेम्स की बात की जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली है, जैसे रेजिडेंट इविल 8 विलेज, जो बहुत ज्यादा डरावनी गेम लग रही है बट अच्छी भी लग रही है बहुत ज्यादा, ग्राफिक्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो गए ओवर रेजिडेंट इविल 7 एंड मैं ऑनेस्टली एक्साइटेड हूँ, मेरे को लगता है मैं खेलने वाला हूँ। देन वी गॉट हिटमैन 3, जो हिटमैन ट्रिलॉजी की एंड गेम होने वाली है एंड आई गेस यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। जो लोगों को हिटमैन ट्रिलॉजी पसंद है आई थिंक वो प्रीटी यूज्ड टू होंगे इससे, उनको बेटर ग्राफिक्स मिल जाएंगे, थोड़े बेटर मैकेनिक्स भी मिल जाएंगे एंड उनके लिए बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है ये। देन वी गॉट प्रैगमाटा, जो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, मतलब बेसिकली जब वर्ल्ड जहाँ पे एंड हो चुकी है उस फ्यूचर में बेस्ड है ये एंड गेम लुक्स गुड। एक उन लोगों ने एक बंदा दिखाया जो फुल रोबोट से सूट में है, एक लड़की जो बहुत कंफ्यूज थी एंड एक होलोग्राम कैट एंड बेसिकली उनके ऊपर एक सैटेलाइट गिर जाता है, वो समहाउ मून पे एंड हो जाते हैं एंड आई गेस वो लोग अर्थ पे वापस जाने वाले हैं,
somehow देखते हैं ये गेम कैसी टर्न आउट करती है। एंड इनमें से लास्ट गेम होने वाली है NBA 2K21 जो ऑनेस्टली उसका ट्रेलर तो कुछ ज़्यादा अच्छा था, आप बंदे के ऊपर से स्वेट ड्रिप करते हुए देख सकते थे। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि गेम पे भी बहुत इंप्रूव किया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं NBA गेम्स खेलता नहीं हूँ तो फिर मैं इसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। बट अगर आप लोग बास्केटबॉल देखते हो, बास्केटबॉल गेम्स खेलते हो तो आपके लिए अच्छा है ये, बिकॉज गेम तो बड़ी अच्छी लग रही है। लास्ट में चार और गेम्स बचे, ये सारी कंसोल एक्सक्लूसिव्स है बट मैंने इनको पहली वाली लिस्ट में नहीं डाला बिकॉज ये इतनी ग्राफिकली इंटेंसिव नहीं थी, PS5 के उभर के इनसे बाहर नहीं आ रहा था। ये काफी इंडी टाइटल्स लग रही है तो अगर इनकी स्टोरी अच्छी हुई तो ये गेम्स एक्चुअली बहुत अच्छी हो सकती है, बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव गुड बॉय वोल्केनो हाई जो एक हाई स्कूल पे बेस्ड विद लाइक एनिमल पीपल हु गो टू हाई स्कूल कुछ वैसा लग रहा है। एंड हो सकता है लाइफ इज स्ट्रेंज जैसी कोई गेम निकल जाए जो स्कूल लाइफ पे बेस्ड है एंड अच्छी हो, बट कुछ ग्राफिक्स खास नहीं लग रहे, कार्टून सी एनिमेशन है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। देन वी हैव सोलर एश जो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को तो वैसे, बट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ गुड इट इज बिकॉज इसका आर्ट स्टाइल तो बड़ा अच्छा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक द जर्नी अगर आपने देखा है। उसके ट्रेलर में भी दिखाया कि हाउ द पर्सन इज गोइंग इन टू अ ब्लैक होल एंड ये जो ऐसी टाइप की गेम्स होती है आर वेरी ऑडियो बेस्ड, तो ऑडियो इनका काफी अच्छा होता है, स्टोरी पर डिपेंड करता है पूरा बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। देन वी हैव द लिटिल डेविल इनसाइड जिसका आर्ट स्टाइल इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर गेम्स, एक इंडी टाइटल लग रही है एंड कुड बी गुड कुड बी बैड बेस्ड ऑन द स्टोरी अगेन। गेमप्ले ट्रेलर में हमको देखे थोड़े से फनी मोमेंट्स, थोड़े से बैटल सीन्स एंड फाइनली अ ड्रैगन जो एक्चुअली अच्छा लग रहा है, तो मे बी ये गेम अच्छी निकल जाए, आई डोंट नो। एंड फाइनली वी हैव बग स्नैक्स जो भाई मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ा बिकॉज ये बेसिकली गेम है जहाँ पे बग्स और स्नैक्स समहाउ कंबाइन होके एनिमल्स बन गए हैं एंड बेसिकली बग्स घूमते रहते हैं बट इन द शेप ऑफ स्नैक्स, तो जैसे स्ट्रॉबेरी घूम रही होती है उसमें दिखाया है स्टार्टिंग में, बीच में एक सबवे रोल सॉर्ट ऑफ घूम रहा होता है एंड और ये और यहाँ पे होता क्या है कि जब लोग बग्स को खा लेते हैं तो वो स्नैक्स बन जाते हैं, तो जैसे बंदे ने स्ट्रॉबेरी खाया तो उसका हाथ स्ट्रॉबेरी बन गया, तो आई डोंट नो काफ़ी वियर्ड कॉन्सेप्ट है। एंड में दिखाया है उन लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ मॉन्स्टर जो सारे फूड को अब्जॉर्ब कर जा रहा है एंड आई थिंक विलेज को टेररराइज करने वाला है, समहाउ यू विल हैव टू सेव द विलेज, बट मैं श्योर नहीं उस गेम के बारे में, आई डोंट नो कैसे टर्न आउट करेगी, डिपेंड करते हैं अगेन ऑन द स्टोरी, अगर बहुत अच्छी हो तो फिर गेम प्ले को लोग फिर भी माफ कर देते हैं, बट देखते हैं इसको आगे। तो हो गया सारी गेम्स एंड कंसोल के लिए, दिस वाज द PS5 इवेंट जो कल आया। अगर आप इंटरेस्टेड है इस गेम को देखने में जैसी PS5 लॉन्च होती है, एनी गेम्स लॉन्च होती है, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल पर बिकॉज मैं हर दिन निकालता हूँ गेमिंग वीडियोस। थोड़े दिन में आ रही है लास्ट ऑफ अस 2, उसके लिए सुपर एक्साइटेड हूँ एंड करंटली मेरी सेकिरो की सीरीज चल रही है, पोकेमॉन शील्ड का DLC आने वाला है वो भी खेलने वाला हूँ मैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माय प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी है एंड I think that's gonna be it for this episode, guys. Thank you guys so much for watching the video. Drop a like if you enjoyed it. Subscribe to the channel for more content and I'm gonna see you all soon.